गोपाष्टमी पर गिरिराज पूजा व गोप पूजा कर गरीबों को बांटेंगे कंबल। कार्तिक मास की अष्टमी को गिरिराज तलहटी में गोपाष्टमी का पर्व गिरिराज पूजा गौ पूजन साधु संत प्रसादी एवं गरीबों को कंबल वितरण कर उत्साह के साथ मनाया गया। सोमवार को गिरिराज तलहटी के बैकुंठ नाटिका श्री पीठाश्रम पर श्री जी पीठाचार्य मनीष बाबा मुकुट मखारविंद मानसी गंगा मंदिर रिसीवर कपिल चतुर्वेदी के नेतृत्व में गोपाष्टमी का पर्व गिरिराज पूजन गौ पूजन ब्राह्मण संतों की प्रसादी व गरीबों को कंबल वितरण कर मनाया गया। इससे पूर्व तलहटी में गाय बछड़ों का तिलक व माला पहनाकर पूजन कर हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। श्री जी पीठाचार्य मनीष बाबा मुकुट मखारविंद मानसी गंगा मंदिर रिसीवर कपिल चतुर्वेदी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था। भगवान श्री गायों को चराने के लिए गिरिराज तलहटी में गए हुए थे। यहाँ प्रभु ने गायों बछड़ों की पूजन कर गौरक्षा का संकल्प लिया और आस्था श्रद्धा भाव से गौ पूजन करने के साथ मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। तभी से कार्तिक मास की अष्टमी को गोपाष्टमी पर गौ पूजन किया जाता है। इस अवसर पर राजेश बजाज तुषार बाज वीरेंद्र चतुर्वेदी भास्कर आदि भक्तों ने गिरिराज पूजा गौ पूजन व साधु संतों को प्रसाद ग्रहण कराया और कंबल वितरण कर पुण्य लाभ कमाया। परम पावन कार्तिक महीना श्री गिरिराज भगवान का ही महीना है जिसको दामोदर मास भी कहते हैं। आज का दिन बड़ा ही दिव्य दिन है। जैसा कि सबको विदित है कि ठाकुर जी ने कार्तिक शुक्ला तृतीया को गिरिराज उठा लिया था और नवमी पर्यंत तक धारण किया था। गोपाष्टमी का आज पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर यहाँ कई वर्षों से श्री गिरिराज धारण की हाजिरी हमारे बजाज परिवार भी मनाते आ रहे हैं और हमारे परम प्रिय स्वर्गीय श्री वीरेंद्र बजाज जी बड़े हृदय से भक्ति भावना से आज इस पर्व को मनाते थे। तो गिरिराज जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से ये पर्व सभी भक्तगण मनाते रहें। बड़ा ही दिव्य धाम गिरिराज जी का ये है। तो आज के पावन पर्व पर आपके माध्यम से हम समस्त सनातन धर्मावलंबियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और गिरिराज धरण से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। हमारा श्री विद्यापीठ का ये प्रांगण है, श्री जी की कृपा यहाँ अनवरत बनी रहे ऐसी श्री जी से हम प्रार्थना करते हैं। साधु संत आज सभी का पूजन अर्चन हो रहा है और गऊओं का पूजन अर्चन हो रहा है। भगवान के लिए दो ही प्रिय हैं, गऊ हैं, ब्राह्मण हैं, संत हैं। तो भगवान गिरिराज जी की सेवा में जो गऊ ब्राह्मण और संतों की सेवा करते हैं उन्हीं को गिरिराज जी उस पूजा को स्वीकार करते हैं और उन भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। पुनः पुनः आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। गिरिराज धरण की।